अगर कोई कहता है कि क्या आप भी भूतों में विश्वास करते हैं, तो इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ एक कहानी मानते हैं, तो कुछ लोग आत्माओं पर विश्वास भी करते हैं। ऐसी एक चौंकाने वाली कहानी एनालिसा माइकल की है। आज मैं आपको दुनिया की सबसे हॉरर स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। जर्मनी के बनारिया की रहने वाली एनालिसा के शरीर में 6 आत्माएं थी। उस लड़की की जान बचाने के लिए कई बार उसकी जाटफू कराई गई, लेकिन अफसोस कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनालिसा माइकल जब 16 साल की थी, तब उनको मिर्गी के बारे में पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है और पेशेंट अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो शरीर पर से कंट्रोल खो देता है। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ था। एनालिसा के परिवार वाले उसको डॉक्टर के पास ले गए। उसका 5 साल तक इलाज चला, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली, वो ठीक नहीं हो सकी। एनालिसा माइकल की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। माइकल अब अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी, जिसे देखकर उसकी फैमिली बहुत परेशान हो रही थी। और फिर बाद में उन्हें पता लगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इस पर भूत प्रेतों का साया है। तब उन्होंने किसी जानकार को उनके घर पर बुलाया। फिर उस जानकार ने उन्हें बताया कि इस पर भूतों का साया है और इसके अंदर करीब 6 आत्माएं हैं। और माइकल की झाड़फूंक भी करी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। माइकल की अब और ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब वो लोगों पर हमला करने लगी थी और कभी कभार तो खुद को भी चोट पहुंचाने लगती थी। और 23 साल की एज में माइकल की मौत हो गई। तो फ्रेंड्स, आप या आपके किसी अपने के साथ कभी इस तरह का कुछ हुआ है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।